क्या चीज है प्रोडक्ट का नॉलेज, कि आप लोगों ने शॉप पे जाना है कहीं से भी प्रोडक्ट ले रहे हो, कुछ ठीक ले रहे हो, आपको पहचान होनी चाहिए कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, कॉपी है, फर्स्ट कॉपी है या बिल्कुल थर्ड क्लास है। तो सबसे पहले जो है एक तो आप उसको टेस्ट करते हैं इस तरह से फिंगर से, तो जो ओरिजिनल है तो वो आपको टेस्ट नहीं करने देते, ठीक है। दूसरा ये चीज आप जब ओपन करते हो तो इसके सारी साइडों पे आपको ऑयल नजर आ रहा है। जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में आप जाते हो उतना इसका ऑयल कम होता है। जितनी आप इसको दो नंबर चीज में ले जाते हो, ओरिजिनल में अगर आप देखते हो बिल्कुल ड्राई होगी, जो आप उनकी ब्रांड से परचेज करते हो ये चीज बिल्कुल ड्राई होगी, ओपन करके आपको पता चल जाता है। जब ऑयल आ रहा है इसका क्या मतलब है कि ये ओरिजिनल नहीं है, फेक है, ठीक है। इसकी जगह पे आप कोई फाउंडेशन ले लो, फाउंडेशन जो है आप लेना चाहे अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे टेस्ट करते हो फाउंडेशन को या आप यहाँ पे टेस्ट करते हो, तो ये रॉन्ग है। आप लोगों ने कभी भी टेस्ट यहाँ नहीं करना, बल्कि फाउंडेशन हमेशा लेके आप इस अपनी एरिया पे इसको टेस्ट करते हो, यहाँ आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है। अब अगर आपको आइडिया आ रहा है कि आपका क्लाइंट जिसके आपने काम करना है वो तो पास नहीं है, हमें उसकी स्किन के अकॉर्डिंग लेना है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, तो इसका बेहतरीन हाल है। प्रोफेशनल फील्ड में जब आप आ जाते हो तो आप लोग इसमें तीन नंबर अपने पास रखें, अगर तीन नहीं रख सकते तो दो नंबर मस्ट है, उसमें एक डार्क होगा एक लाइट होगा, ठीक है। अगर आप तीन नंबर लेते हो तो उसमें आपका एक बहुत ज्यादा फेयर होना चाहिए, एक एवरी में आ जाती है नॉर्मल में जो होता है, और एक आपका डार्क होता है। अगर आप इस स्टिक में चले जाते हो तो इसमें लेते हैं हम लोग FS38 क्रेलॉन का, ठीक है, उसके साथ ये नंबर IV है, ठीक है, एक आप ये लेते हो, और तीसरा नंबर जो आप लेते हो वो आ जाता है F1। अब हम तीन नंबर का यूज किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हमने जो है डार्क नंबर लिया, उसको हमने जितना हमारा डार्क एरिया उसको हमने हाइड किया, उसको हमने कवर किया, अपनी फाइन लाइन को हमने कवर किया, डार्क सर्कल को कवर किया, हमने एक फेस को जितना उसका पिगमेंट था उसको हमने छुपा दिया उस डार्क नंबर FS38 क्रेलॉन के नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने जो स्टिक ली है IV, तो हमने फुल फेस पे हल्का सा उसका पेंट किया। अब चूंकि जो आप बिल्कुल ड्राई में ले रहे हो, आप उसकी जब टाइपिंग करते हो तो वो मॉइस्चराइज इतना अच्छा नहीं करती, जबकि ये मॉइस्चराइज टाइपिंग बहुत अच्छी होती है इसकी, बट इसकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, और अगर ओरिजिनल लेते हो उसकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज्यादा है, और वो आपको टाइप करने में इशू होता है, ब्लेंड करने में इशू होता है। तो आप कोई एक अच्छे वाला फाउंडेशन साथ रखें, वो फाउंडेशन का आप एक ड्रॉप लें उस स्टिक के ऊपर, उसको आप ब्लेंड कर दें, वो बड़ी अच्छी से स्मूथली ब्लेंड हो जाती है। उसके बाद आपका यहाँ पे अब आपका डार्क सर्कल है, आपने डार्क कलर लगा दिया, हाइड कर दिया, लेकिन ये चीज आपके अंदर को गई हुई है, अब आप इसको बाहर भी निकालना चाह रहे हो, आप इसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हो कि आप इस एरिया को सबसे पहले आपने डार्क सर्कल को कवर किया FS38 नंबर से, फिर आपने IV से उसको ब्लेंड किया। उसके बाद जो F1 नंबर है जो कि बहुत फेयर नंबर है क्रेलॉन का, ठीक है, तीन स्टिक का बता दिया, F1 नंबर आपने लिया, और उसके साथ आपने जो जो एरिया आपको लग रहा है कि आपने इसको हाईलाइट करना है, जैसे आपका यहाँ पे आ जाता है एरिया, आपका ये हिस्सा जो बास के अंदर को गया होता है, या आपका ये हिस्सा आपको फेयर में चाहिए, यहाँ पे फोरहेड थोड़ा सा, अमूमन आप देखेंगे कि फोरहेड की हमेशा ये हड्डियां दो उभरी होती है, ये चीज आपकी अक्सर की बहुत ज्यादा उभरी होती है और अक्सर की नॉर्मल होती है, लेकिन हमेशा ये चीज आपकी बैठी होती है, तो हम लोग हाईलाइट हमेशा फोरहेड को यहाँ पे करते हैं, ठीक है, कंटूर हम हमेशा यहाँ पे करते हैं, जो आपका उभरा हुआ एरिया वहां हमेशा आपने डार्क नंबर लगाना है, जो आपके पैच फ्रैकल है, एक्ने के स्पॉट्स है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसको हमेशा आपने डार्क नंबर से छुपाना है और कंटूर करना है, दबाना है, ठीक है। तो वो डार्क नंबर IV जो है वो फुल फेस पे, और जो हाईलाइट के लिए फिर आपने उसको हाईलाइट करना है बहुत फेयर नंबर से। अगर स्टिक में चले जाए तो तीन नंबर स्टिक है, डार्क में FS38, फेयर में नॉर्मल में आप IV लेते हैं फुल फेस के लिए, और हाईलाइट करने के लिए F1 लेते हो, और उसके बाद आप उसको बहुत अच्छे वाला आपका जो है वो लूज पाउडर होना चाहिए, लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट दोनों में क्या फर्क है, ये भी एक क्वेश्चन है। लूज पाउडर जो है वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा कर देता है। थोड़ा स्टॉप करोगे के जो है तीनों क्लियर हो गए कि आपने परचेजिंग करनी है, तो आपने प्रोफेशनल फील्ड के लिए तीन नंबर चूज करनी है, स्टिक में तो आपने कौन सी करनी है, ठीक है, ये आप लोग जो अपनी डायरी पे भी नोट कर। उसके बाद आपका फाउंडेशन है, तो ये आप इसके साथ रख के हल्का सा ब्लेंडिंग करते हो तो बहुत स्मूथ और सॉफ्ट और अच्छी बेस आपकी ब्लेंड होती है, और आपका जो फेस की जो ब्लेंडिंग और जो बेस है वो शाइन करती है फाउंडेशन से, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है सेटिंग, हमने दबा भी लिया, हाईलाइट भी कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है कि जो लूज पाउडर है, लूज पाउडर को आपने हमेशा जो है वो बेस को ब्रश लेके लूज पाउडर के साथ आपने उसके ऊपर फेंक देना है, ठीक है।
या आपने उसको इस तरह से करना है कि जो आपका नीचे ऑयल है उस पर एकदम से आप कॉम्पैक्ट पाउडर दूर रखते हो, वहीं पे डब्बा बन जाता है। ठीक है, तो आप उसको स्मूथली जो है ना ब्रश से हल्का 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 उसको फेंक के लूज पाउडर को फिर उसी ब्रश से हल्का हल्का सा ब्लेंड करते हो, फिर उसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट लगा देते हो। ठीक है, के जो है तीनों क्लियर हो गए कि आपने परचेजिंग करनी है तो आपने प्रोफेशनल फेल के लिए तीन नंबर चूज करनी है, स्टिक में तो आपने कौन सी करनी है। ठीक है, ये आप लोग जो अपनी डायरी पे भी नोट कर। उसके बाद आपका फाउंडेशन है तो ये आप इसके साथ रख के हल्का सा ब्लेंडिंग करते हो तो बहुत स्मूथ और सॉफ्ट और अच्छी बेस आपकी ब्लेंड होती है और आपका जो फेस की जो ब्लेंडिंग और जो बेस है वो शाइन करती है फाउंडेशन से। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है सेटिंग, हमने दबा भी लिया, हाईलाइट भी कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है कि जो लूज पाउडर है लूज पाउडर को आपने हमेशा जो है वो बेस को ब्रश लेके लूज पाउडर के साथ आपने उसके ऊपर फेंक देना है। ठीक है, या आपने उसको इस तरह से करना है कि जो आपका नीचे ऑयल है उस पर एकदम से आप कॉम्पैक्ट पाउडर दूर रखते हो, वहीं पे डब्बा बन जाता है। ठीक है, तो आप उसको स्मूथली जो है ना ब्रश से हल्का 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 उसको फेंक के लूज पाउडर को फिर उसी ब्रश से हल्का हल्का सा ब्लेंड करते हो, फिर उसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट लगा देते हो। ठीक है, ये कैपेसिटी देखी जाए कॉम्पैक्ट पाउडर आपका 1 से 2 घंटा स्टे करता है, ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर आप इसी की जगह पे लूज पाउडर पे चले जाते हो तो वो 4 घंटे स्टे करता है। ठीक है, अगर आपने अपनी ब्राइड पे काम करना है तो आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए भी और उसको पैची ना करे जब हमने लूज पाउडर फेंका तो फिर हमने कॉम्पैक्ट के साथ उसको सेट करना है। ठीक है, तो दोनों ही हमने काम करने हैं अपनी बेस को इक्वल करने के लिए और उसको सेट करने के। पहले हमने स्टिक लगा ली, हमारी बेस है क्रीमी। ठीक है, हम इसको सबसे पहले कंटोर करेंगे क्रीमी के साथ। अगर आप क्रीमी कंटोर पाउडर फेस पाउडर फिक्सर करने के बाद करते हो तो वो भी आपका स्लीप हो जाएगा। तो आपने क्रीमी बेस लगाई, उसके ऊपर आपने कंटोर भी क्रीमी करना है। अगर आप भूल जाते हो, बार दफा हम लोग भूल जाते हैं, हमारे माइंड से ये चीजें निकल जाती है कि हमने क्लाइंट की जो बेस बनाई उसके ऊपर हमने उसको फिक्स कर दिया, हाईलाइट करके फिक्स कर दिया, अब हम सोचने पड़ जाते हैं कि कंटोर करना था। तो कभी भी ये मिस्टेक आपने नहीं करनी कि हम उस फिक्स की गई बेस के ऊपर दोबारा क्रीमी कुछ लगाए, फिर आपने उसको पाउडर से ही कवर करना है। क्योंकि आपने पाउडर लगा लिया, पाउडर लगाने के बाद आप कभी भी कोई काम क्रीमी नहीं करेंगे, आप वो फिर पाउडर फॉर्म में जाएंगे। अगर आपने क्रीमी बेस रखी अभी उस पर पाउडर फिक्सर नहीं किया, फिर आप उस पर टिंट लगा सकती हो, ब्लश ऑन कर सकती हो, आप क्रीमी कंट्रोल कर सकती हो, फिर आप उसको जब फिक्स करने के बाद उन चीजों तो वो एक अंदर से ग्लो शाइन और एक बड़ी अच्छी आपकी बेस निकल गया, बहुत ज्यादा आपका ऑयल आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा स्केच करते हो, ये इस तरफ से आपने निकाला, ये आपने अपने हाथ पे लिया। ठीक है, इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा ऑयल नजर आ रहा है। ठीक है, हम इसमें 1 ड्रॉप अपना प्राइमर का मिक्स कर दें तो क्या होगा कि इसका ऑयल कंट्रोल हो जाएगा, आपकी जो वेस्ट नहीं होंगे पैसे, आपके लिए पैसे काम आ जाएंगे। ठीक है, एक लेयर आपने प्राइमर की, जो जेल फार्म में होगा वो हमेशा ऑयल कंट्रोल होगा, जो क्रीम फार्म में होगा वो हमेशा मॉइस्चराइजर में होगा। तो आपने जेल फार्म में जो लिया उसका आपने इसमें थोड़ा सा मिक्स किया और इसको आप एप्लीकेशन कर दो नडा हो गए। अगर आपकी आधा घंटा भी स्टे नहीं कर रही तो कम से कम 2 घंटे कर जाएगी स्टे। ठीक है,